भारत और मालदीव के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी असल वजह आप जानते हैं? असल वजह तो चीन है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथ भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जिस तरीके से चीन के मौजूदा राष्ट्रपति जो मुस्लिम विचारधारा से प्रेरित है, आपको याद होगा कि जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपनी पहली यात्रा तुर्की की, दूसरी यात्रा चीन की, और जो विवाद इस वक्त चल रहा है इसमें फायदा चीन लेने की कोशिश कर रहा है, और तो और पाकिस्तान भी लेने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आपको, थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं फिर उसके बाद आगे ले चलेंगे। दरअसल जो लक्षद्वीप की तस्वीरें पीएम मोदी ने ट्वीट की थी कि भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा लक्षद्वीप आए, यहाँ पर खूबसूरती है, और लक्षद्वीप को आकर के एक नया टूरिस्ट स्पॉट बनाए। उसके बाद तुलना होती है मालदीव और लक्षद्वीप की, लेकिन यही बात लक्षद्वीप में जो तुलना होती है कि मालदीव से बेहतर है सोशल मीडिया पर, ये बात मालदीव के कुछ मंत्रियों को पसंद नहीं आती है। वो पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उसके बाद तो भारत सरकार भी हरकत में आती है और फिर मालदीव को अपने तीनों मंत्रियों को पद से हटाना पड़ता है। अब बात तो यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो मौजूदा राष्ट्रपति है मोइजू, दरअसल ये पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यासिन के समर्थक माने जाते हैं। भारत ने मालदीव में अपना पहला दूतावास 1980 में खोला था, और आपको बताएं कि चीन ने कब खोला, 2011 में। लेकिन जैसे ही मालदीव की चीन से नजदीकियां बढ़ी, उसने भारत से दूरी करनी शुरू कर दी। ये बैकग्राउंड है, और तो और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भारत ने जो चीजें उपहार में मालदीव को दी थी वो उसने लौटानी शुरू कर दी। अब जो 2011 के बाद जो स्थिति रही, जब पूर्व राष्ट्रपति यासिन का कार्यकाल रहा, उस वक्त चीन ने ऐसा मकरजाल फैलाया कि फिर मालदीव फंसता ही गया। वहाँ पर तो विरोध भी शुरू हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, क्योंकि आपको बताएं कि चीन ने जो मालदीव को कर्ज दिया है, मालदीव ऐसा तीसरा देश है दुनिया का जिस पर चीन का सबसे ज़्यादा कर्ज है। ऐसे में जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी GDP का 30% है, ऐसे में मुश्किलें मालदीव के लिए ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जब वहाँ पर लोग सड़कों में उतरे, विपक्षी नेताओं ने वहाँ पर विरोध करना शुरू किया, तो फिर पूर्व राष्ट्रपति ने उनको जेल में डाल दिया। कई सारे वहाँ पर समझौते हुए, और जब समझौते हुए तो उसका भी विरोध किया गया, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। और जो मुस्लिम कट्टरपंथ का राग इस वक्त मोइजू सरकार भी अलापती है, उसका भी यहाँ पर असर पड़ा है, रिश्तों में खटास आ गई है। हालांकि मालदीव से भारत जो दोस्ती भारत की रही है दशकों पुरानी है, लेकिन नुकसान भारत को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ मालदीव का है, हर लिहाज से मालदीव का नुकसान है, क्योंकि सबसे पहले मोइजू सरकार का जो फैसला था, हमारी आर्मी मालदीव में तैनात थी, लेकिन उसको लौटाने का आदेश दे दिया गया। तो एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिससे ये मालूम चला कि वो भारत विरोधी है और चीन के हित में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन के साथ आप दोस्ती बढ़ा रहे हो तो भारत के साथ आप दूरियां बढ़ाओगे तो आपके हित में रहेगा, क्योंकि चीन करता क्या है, पहले वो पैसा लगाता है, कर्ज के मकरजाल में फंसाता है और विकास की बात करता है, उससे ज्यादा नुकसान होता है उन देशों को, और फिर वो चीन की चाल में फंसते चले जाते हैं। यही चीन ने मालदीव के साथ किया, और जो मुस्लिम कट्टरपंथ का राग अलापते हैं, जो मुस्लिम कट्टरपंथ वहां पर इस वक्त मालदीव में है, क्योंकि भारत से काफी सारे पर्यटक वहां पर जाते हैं, और वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन अहम रोल अदा करता है, क्योंकि पर्यटन से काफी सारी आय आती है, और हर छठा व्यक्ति जो टूरिस्ट है मालदीव में वो है। लेकिन जो बुकिंग्स कैंसिल हुई है, जो भारत के लोगों ने जाना बंद कर दिया है, उससे नुकसान मालदीव का हो रहा है। यही बात मालदीव को मालूम है, इसलिए मोइजू ने माफी तो मांग ली है, लेकिन वहां पर सरकार गिरने तक के आसार बन गए।